हम इंसान जब परेशान होते हैं तो हमारी काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, इलाज होता है। हम डिप्रेशन में जाते हैं तो उसका इलाज होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसका इलाज होता है। लेकिन मशीनों के साथ ऐसा नहीं होता। मशीनों को आप चाहे जितना काम दे सकते हैं, चाहे उनको पे ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पे नहीं ही करते अमूमन आमतौर पर। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि मशीन भी डिप्रेशन में जा सकती है, मशीन भी परेशान हो सकता है? जी हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल सही है। और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में दक्षिण कोरिया में एक ऐसा मामला आया है जहाँ पर एक रोबोट ने काम से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। बताएंगे पूरी बात आपको। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धीर टीवी। दक्षिण कोरिया एक देश है, इसे मैप में आप यहाँ देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया रोबोटिक तकनीक को तेजी से अपनाने वाले देशों के तौर पर जाना जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट दक्षिण कोरिया में ही मौजूद हैं। यहाँ एक औद्योगिक रिपोर्ट हर 10 इंसानी कर्मचारियों पर काम कर रहा है। यहीं पर एक गूमी सिटी है। इस सिटी के काउंसिल के ऑफिस में काम करने के लिए इंसानों के साथ एक रोबोट को भी तैनात किया गया है, डिप्यूट किया गया था। इसका नाम था साइबॉर्ग। इस रोबोट का काम था फाइलों को एक जगह से दूसरे जगह ले आना, ले जाना, इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना और उसका प्रचार करना, यानी लोकल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने का काम ये करता था। इसकी तैनाती अगस्त 2023 में इस ऑफिस में हुई थी। 9 घंटे की इसकी ड्यूटी थी। लोग बताते थे कि वो रोबोट का बड़ा ही मेहनती था। इसकी एक दिन भी छुट्टी नहीं होती थी और ना ही इसे कुछ पे किया जाता था। उसके पास अपना आईडी कार्ड था, आइडेंटिटी था। वो इमारत की सभी मंजिलों पर बेधड़क आता जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, रोबोट काफ़ी मेहनत से काम कर रहा था। लेकिन अभी हाल ही में एक दिन ऐसा हुआ कि रोबोट कुछ परेशान सा नज़र आने लगा। उस दिन वो ऑफिस की सीढ़ियों पर इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सीढ़ियों से नीचे की ओर छलांग लगा दिया और आत्महत्या कर ली। हालांकि मामले की जांच चल रही है। इसको बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बियर रोबोटिक्स ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जब किसी रोबोट ने सुसाइड किया हो। आपको सोच कर ये ताजुब तो होगा कि कोई रोबोट कैसे आत्महत्या कर सकता है। क्या काम का दबाव सिर्फ इंसानों पर ही होता है? क्या रोबोट भी दिन रात काम करके परेशान हो सकते हैं और आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा सकते हैं? दक्षिण कोरिया में अधिकारी इस घटना के बाद सकते में हैं। शायद उन सभी के लिए ये एक चेतावनी है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें अपने डिजाइनों और प्रोग्रामिंग को लेकर फिर से जाँचने की आवश्यकता है ताकि रोबोट्स का निर्माण मानव मूल्यों और नैतिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। इस घटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके संभावित परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठता है कि रोबोटिक्स जगत में इतनी तकनीकी होने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये बहुत ही शॉकिंग खबर है। आप बताइएगा कि इस घटना के बाद क्या लगता है आपको कि क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट इंसानों की जगह पूरी तरह से ले सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।